आज बनाएंगे हम आलू की टिक्की। इसके लिए हमने ये 5-6 आलू बॉईल करके छील लिए हैं और थोड़ा सा खटाई पाउडर, हरी मिर्च, बारीक अदरक कटा हुआ, थोड़ी सी प्याज, गरम मसाला आधी चम्मच, नमक, लाल मिर्च और ये अरारोट। अरारोट ले आप चाहे चावल पिसे हुए। अब आलू को हमें कसना है। इस तरह से सारे आलू हमने कस लिए। हम ये सारे मसाले डालेंगे। मिर्च, नमक, गरम मसाला, प्याज, अदरक, अब इसमें हम अरारोट डाल के गूंदेंगे। अब हमारा टिक्की का भरता तैयार हो चुका है। इसमें हमने 2 टेबलस्पून मैदा और मिला दिया। अब इसकी टिक्की बनाएंगे। हथेली में तेल लगाकर टिक्की बनाएं। सारी टिक्की बन चुकी है। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। अब हमारी टिक्की फ्राई हो चुकी है। अब इनको हमें निकालना है। टिक्की को धीमी आंच पे सेकना चाहिए। हमारी सारी टिक्की फ्राई हो चुकी है। अब हमारी आलू की टिक्की तैयार हो चुकी है। पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।